नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निशुल्क अन्न वितरण के आयोजन की, जहां प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों ने मुफ्त राशन का लाभ उठाया। प्रशासन ने भी अन्न वितरण को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की। सभी ने अपने कोटे की दुकानों को सजाया और आपूर्ति विभाग की ओर से जारी किए गए थैलों में ही राशन का वितरण किया। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित थामपुर के नए सराय में प्रतिभा शर्मा के सरकारी सस्ता गल्ला के निशुल्क अन्न वितरण में मुख्य अतिथि भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रेणु चौहान, सभासद शमशेर अली, नामित सभासद राकेश चौधरी और समाज सेवी दीपक गुप्ता ने राशन वितरण का शुभारंभ किया। मुफ्त राशन दिया जा रहा है, इससे सभी गरीबों को आर्थिक सहायता मिली और प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, इसके तहत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत हमने हर धर्म हर जाति के लोगों को समानता से राशन वितरण किया है। इसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, सबको एक जैसा राशन एक जैसा ही। हमारे वार्ड नंबर 7 ने जो हमारे जो राशन बांटा है इसके बाद में ये सभी के लिए है, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखा रहा है, जो सबको एक समान देखा जाता है। इसलिए जो मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो कहा सबका साथ सबका विकास, ये सभी के लिए एक समान है। इससे मतलब ये नहीं कि कोई अंतर होता है कुछ होता है, सब एक समान माने जाता है। इसलिए सबके लिए मतलब बहुत फायदे की चीज़ है, गरीबों का साथ इसमें बहुत जरूरी है, गरीबों को ये चीज दी। वहीं दूसरी ओर मोहल्ला लोहियान में सरले शर्मा के सरकारी सस्ता गल्ले का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, ललित गर्ग, प्रमोद अग्रवाल, मोहित अग्रवाल आदि ने किया और लाभार्थियों को राशन भी वितरित किया। इस दौरान भारी संख्या में लाभार्थी भी मौजूद रहे। आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज के दिन ही पिछले 5 अगस्त को आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया गया था और यह आज के दिन इस अन्य कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। और भी योजनाएं का लाभ आपको मिला नहीं मिला, जैसे कि गैस कनेक्शन है, मिला आपको? कुछ महिलाएं बैठी है जो फ्री गैस कनेक्शन आए थे, उज्ज्वल योजना में मिले और बिजली कनेक्शन आपको मिले नहीं मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिले कुछ को नहीं मिले, जो जिनके मकान जाते धामपुर में लगभग 400 मकान बन चुके हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करा सकते हैं, जिनके मकान कच्चे हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। ये कहना था कि आप पुरातन आज ये योजना का के द्वारा आपसे कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद बता सकती है नगर पालिका आकर। इस मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे जनता के संबोधन को भी सुना गया और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।